तो स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल पे आप लोग सभी का। तो आज हम आए हैं गाजीपुर के आदर्श गांव में उत्थान फाउंडेशन के पास, जो कि बहुत ही फेमस है, जो जहाँ यहाँ पे कुछ बच्चे रहते हैं, और उनसे मिलेंगे और आपको दिखाएंगे कैसे बच्चे हैं वहाँ के, और बहुत ही अच्छा प्लेस है। अंदर आए और यहाँ से टिकट है, टिकट का प्राइस 10 रुपये है, तभी आपको अंदर आना रहता है। और ये मतलब पूरा पार्क की तरह है, और ये दिखा रहे हैं पास में मंदिर है, पहले मंदिर का दर्शन कर लेते हैं हम लोग। और ये है शिव जी का मंदिर, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, और बहुत ही सुंदर भी है, पूरा टाइल्स वगैरह। ये दान पेटी है, और चलते हैं आपको पूरा मतलब जन उद्यान फाउंडेशन दिखाते हैं। और यहाँ पे बैठने के लिए शाम हम लोग आए हैं, मतलब 12 बजे बज रहता है, और शाम के टाइम आप आएंगे तो यहाँ पे भीड़ रहेगी, इस टाइम मतलब धूप में कोई आएगा नहीं घूमने। और यार आप ये छोटे यहाँ पे बच्चे रहते हैं मतलब, तो उनके लिए यहाँ पे पार्क है, तो पहले मतलब कोई भी इस पर बैठ जाता था मतलब खेलने के लिए, बड़े छोटे सब, अब बस छोटे बच्चों के लिए है, अब इसमें बस छोटे बच्चे ही खेल सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं, वहाँ पर लॉक ताला लगा दिया गया है, और यहाँ पे पेड़ पौधे एकदम हरियाली हरियाली है चारों तरफ, डस्टबिन। अभी आपको जन फाउंडेशन, अरे सॉरी उत्थान फाउंडेशन के अंदर भी ले चलेंगे। देखिए ये अभी लगाया गया, पहले नहीं था, चिल्ड्रन पार्क। और आप देख रहे हैं यहाँ पे खेती भी की जा रही है, मतलब जो जगह है बचा है, तो प्याज वगैरह लहसुन मिर्चा। अरे देखिए पानी है, इसमें पानी भरा गया है। एक दुकान है, अरे मतलब इसके अंदर ही मान लीजिए रेस्टोरेंट टाइप का है, सब चीज़ मिलता है खाने पीने का। चलिए आपको दिखाते हैं, वो सामने आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे रेस्ट करने के लिए है, इस मतलब कुछ मंगाए हुए खाने पीने के लिए। ये रहा देखिए, इसमें खाने पीने का, यहाँ पे बोर्ड लगा है कौन सा कितने प्राइस में मिलता है। चलिए इसके जस्ट और दिखाते हैं, ये है फील्ड जिसमें शाम के टाइम लोग खेलते हैं। ये इधर शौचालय वगैरह है, मतलब अच्छा प्लेस है, आप भी आइए घूमिए। हमें एक सीढ़ी मिला है, इसके ऊपर चलते हैं देखते हैं क्या है। अरे फोटोग्राफी वाला है ये भी, हाँ वैसे भाई। अब देख रहे हैं तो ज़बरदस्त है पार्क ये, इसके अंदर पानी रहता है पर इस टाइम पानी नहीं है, और कछुए भी रहते हैं, तो कछुए निकाल लिया गया है 10 दिन पहले ही, और इससे इसके ऊपर जा सकते हैं। ये फोटोग्राफी के लिए हमें मस्त एरिया है। और इसके अंदर भी खेती होती है मार्सी कॉलम में, और वो रहने के लिए बनाया गया है, जो लोग यहाँ पे रहते हैं काम करते हैं। तो घूमने लायक पार्क है, आप मतलब आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर घूमिए। और इसके अंदर लेके चलते हैं, और अंदर कुछ लोगों से बात करते हैं क्या होता है कैसे है यहाँ पे। प्राकृतिक सब्जी पार्क है इधर, जो कि नेचुरल तरीके से उगाई जाती है। गोईठे वगैरह पे ध्यान मत दीजिएगा, ये रही यहाँ पे प्राकृतिक सब्जी। अभी जितने भी लोग रहते हैं सबसे बात करने की कोशिश करेंगे हम लोग। सूर्य ऊर्जा केंद्र, अच्छा इसके अंदर मतलब जनरेटर वगैरह रखा गया लाइट के लिए। और यहाँ पे यहाँ से पानी मतलब खेतों में जाता है,
तो चलिए अंदर लेके चलते हैं आप लोगों को, किसी से बात करते हैं, देखें तो कौन अंदर लेके जाता है हम लोगों को। और जो जो मिलेगा उनसे आपको बात कराएंगे, यहाँ के कैसा लोकेशन है, कैसे बच्चे रहते हैं और पढ़ते भी हैं। बच्चे नहीं थे इस टाइम, कमरे बंद है सारे। इनके ओनर से और टीचर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं आप। हेलो फ्रेंड्स, तो ऊपर आ गए और आप देख रहे हैं क्या ही मस्त फिल्टर वगैरह है, सौर ऊर्जा है। ऊपर से उद्यान फाउंडेशन देखिए कैसा लगता है, उत्थान फाउंडेशन। ये बहुत ही जबरदस्त पार्क है, अगर आप भी अगर आसपास रहते हैं यहाँ पे आदर्श गांव की तरफ तो यहाँ पे जरूर आए। तो चलिए इनके ओनर और यहाँ के टीचर से बात करते हैं। बच्चे आ चुके हैं क्योंकि पेपर था उनका, तो अभी आए जस्ट, तो चलिए आपको उनसे मिलाते हैं और दिखाते हैं बच्चे कैसे यहाँ के। और हमारे साथ अभय सर लेके चल रहे हैं। ये नए बच्चे, अच्छा आप अपसेट रहते हैं क्या? नहीं, बजट रहते हैं ना। सरस्वती विद्या मंदिर, अच्छा 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 ये भुतैया धाम है ना, प्रकाश नगर, वही प्रकाश नगर चौड़ा भुतैया धाम है ना। तो अभी मैम है ना, और खाने के लिए अभी आप लोग क्या करेंगे? अभी आए हैं स्कूल से, तो क्या करेंगे? अभी भोजन करने के लिए ना, तो कोई आप लोग अपने से जाके लेंगे कि कोई बना के चला जाता है कि बनाएंगे? अभी बना है खाना आप लोग को, बस खाना है ना। ये बड़ा अच्छी व्यवस्था है भाई साहब। तो आप लोग कहाँ, आप लोग का घर कहाँ? अलग अलग गाँव से हम लोग हैं। अच्छा अच्छा, तो आप किस गांव से? हम करंडा से हैं। करंडा से आप? आज किस विषय का आपका पेपर था? आज पेपर नहीं था, आज क्लास था, कल से पेपर होगा। अच्छा, कल से पेपर आप लोग का चालू हो जाएगा ना। हाँ। तो इसमें कुछ बच्चों का पेपर था, कुछ बच्चों का क्लास चल रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं जो उद्यान फाउंडेशन के जो बच्चे हैं यहाँ पे, और काफी हमारे साथ जो यहाँ पढ़ाते हैं सर, वो जुड़ गए हैं। सर आप कुछ बच्चों के बारे में बताइए, आप कैसे पढ़ाते हैं? जी देखिए, यहाँ पे जो बच्चे हैं बहुत ही अनुशासन में रहते हैं। हम लोग जब भी आते हैं बच्चों के साथ इंटरेक्ट होते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, खुशी मिलता है उनके साथ मिलने पे, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो माँ बाप से बहुत ज़्यादा दूरी है, डिस्टेंस है, उनका घर बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन फिर भी यहाँ का जो माहौल है, जिस तरीके से, जिस स्ट्रक्चर में वो लोग रहते हैं, बहुत ही वातानुकूलित है, बहुत ही अच्छा लगता है इनके साथ मिलजुल के बातचीत करने में। कुछ भी हम लोग कहते हैं तुरंत वो लोग बात सुनते हैं और अच्छे से पढ़ाई लिखाई अपना करते हैं। हम लोग यहाँ पे 2-3 लोग हैं, संडे टू संडे आकर उनको फ्री क्लासेस जो है हम लोग देते हैं। तो आप कितने दिन से पढ़ाते हैं यहाँ पे, कितना वक्त हो गया? जैसे कि यहाँ पे पढ़ाते 5-6 महीने हो गए। क्या पढ़ाते हैं आप, कौन सा विषय? हम भूगोल पढ़ाते हैं। और भी टीचर होंगे पढ़ाने वाले? हाँ, यहाँ पे 2-3 और टीचर हैं। वैसे तो बच्चे रेगुलरी बेसिस पे तो माधव शिक्षा निकेतन एक विद्यालय है वहाँ पे जाते हैं। हम लोग एज अ ट्यूशन टीचर के फॉर्म में यहाँ पे हम मतलब पढ़ाते लिखाते हैं। 2-3 और हैं हमारे साथ। अच्छा सर, और कुछ बच्चों के बारे में बता दीजिए। बच्चे देखिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्स हैं यार, मतलब वो जो भी हम लोग कमांड करते हैं जिस हिसाब से उसको बहुत ज़्यादा वो लोग मानते हैं, फॉलो करते हैं, अनुशासन में रहते हैं, और बातचीत करने का उनका तरीका बहुत बढ़िया है। एक होता है कि परिवार के ना होने पर भी भटक जाते हैं बहुत सारे बच्चे, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं हैं, ये बच्चे बहुत ही अनुशासन में रहते हैं और कमाल के बच्चे हैं। कितने बच्चे होंगे टोटल यहाँ पे? 20-22 नियर अबाउट 20-22 हैं। ठीक, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने बच्चों से मतलब मिला, भेंट मुलाकात किया, तो बच्चे बहुत ही डिसिप्लिन में थे और उन्हें यहाँ पे रहने में कोई तकलीफ नहीं है, नहीं कोई दिक्कत है, क्यों कह रहे हैं हम बहुत यहाँ पे अच्छे से रहते हैं। अच्छा, मान लीजिए हमें या आप जहाँ आपको सुविधा रहेगी वहीं पे आपको अच्छा लगेगा, तो यहाँ पे हर एक सुविधा दी जाती है उन्हें कि किसी कोई तकलीफ ना हो उन बच्चों को, खाना पीना से मतलब कुछ नहीं उन्हें करना, तो बस पढ़ना रहता है और स्कूल जाना रहता है। स्कूल आते हैं वो भी ऑटो जाता है, छोड़ने में लाता है। तो ये गाजीपुर का है उत्थान फाउंडेशन, जो कि
आदर्श गांव में एक बार और बता दे रहा हूँ, आप अगर आएँ तो यहाँ बच्चों से ज़रूर मिलें, क्योंकि इनसे मिलने से कुछ हिम्मत मिलती है उन लोगों को। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।